15 जनवरी को देसी पिस्तौल के साथ पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर सीआईए की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। सभी आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पानीपत पुलिस ने 4 वारदातों का खुलासा किया है। डीएसपी सतीश वस्त ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपी गैंग बनाकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों ने पानीपत में हुई 4 वारदातों को कबूल किया है और थाना किला के इलाके में वारदात करते थे। इनका तरीका वारदात था कि ये बाइक सवार को किसी बहाने से रुकवाते, उसके साथ मारपीट करते, उसके मोबाइल और पैसे छीनते थे। अभी तक 4 वारदातों, एक में तो उसको अरेस्ट किया था जिसमें देसी पिस्तौल बरामद हुआ, उसके अलावा 4 वारदातों का भी खुलासा अभी हुआ है। बाकी इनको जो राहुल है लड़का, इसे पहले से पुलिस रिमांड पर चला हुआ है, आज उसकी पुलिस रिमांड खत्म है। बाकी 3 को आज कोर्ट में पेश करके और पुलिस रिमांड लेकर और उनको गैरेज में पूछताछ करें। अभी तक 1000 रुपए बरामद हुए हैं और एक देसी पिस्तौल जो पहले हो चुका, और एक सलीम है इसमें लड़का, उससे एक फोन बरामद हुआ है, और कुलवंत जो लड़का है उससे 900 रुपए बरामद हुए। यही रहते हैं, एक लड़का इलाहाबाद का है वैसे, लेकिन है वो रहता है यहाँ भी दूर वाला में किराए पर। इलाहाबाद वाले का नाम है। नहीं, आरोपी पकड़े कौन कौन से मामले पकड़े? 15 जनवरी को हमारे सीए की टीम ने एक राहुल नाम के लड़के को एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था, और उसने पूछताछ के दौरान अपने अन्य साथियों के नाम बताए, अन्य 3 2 साथियों के नाम बताए हैं, और जिनसे जिनको भी हमारी सीआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और सभी इन्होंने, ये गैंग है, और इन्होंने 3 वारदातों को, टोटल 4 वारदातों को और कबूला है, और जो हमारे सिटी थाना के इलाके की और किला थाने के इलाके की हैं। ये लोग जो मोटरसाइकिल सवारों को किसी बहाने से रुकवाते थे और रुकवा के उनके साथ मारपीट करके उनके पास जो भी सामान होता था, मोबाइल या पैसे, वो छीन लेते थे। सर, आए दिन शहर में चोरी की बात, ऐसा नहीं है। पुलिस अपनी कार्य बड़ी गहनता से, तत्परता से कर रही है, और जैसे कि वारदाता बड़ी बता रहे हैं, इसके लिए हमने एक विशेष प्लान बनाया है। राइडर्स और जो पीसीआर है उनको एक इलाका दिया है हमने, 1-1.5 किलोमीटर का, और वो रेगुलर उस पर 24 आवर वो गश्त करेंगे और शिफ्टों में ड्यूटियां चलेंगी, और रेगुलरली हमारी हर छोटे छोटे पैच पर 1-1 राइडर और 1-1 पीसीआर अवेलेबल होगी। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि अवश्य ही इन वारदातों में कमी आए। सर, लोगों की शिकायत रहती है कि 100 नंबर पे फोन मिलाते हैं, कई बार मिलता नहीं, कोई उठा नहीं पाता है, कई बार रिस्पॉन्स नहीं। वो हमारी कई लाइनें हैं, एक्स्ट्रा लाइनें भी हमने दे रखी, 100 नंबर का कोई एक ही लाइन नहीं है, वो अटेंड होते हैं। कोई जैसे आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके कारण कोई इशू आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फोन की अगर कंट्रोल रूम में बेल आती है, या हम इंश्योर करते हैं, हम रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है,